हरे कृष्ण मुरारी के। जय माता दी। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो दोस्तों अब मैं हो गई हूँ, कपड़े धो के भी फ्री हो चुकी हूँ। ये देखें कपड़े मैंने धो लिए हैं और आकृति भी रेडी हो चुकी है नहा धो के। ये देखें पूजा करके और कपड़े कुपड़े धो के पोचा वगैरह लगा के अब ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। ब्रेकफास्ट आज बनेगा आलू के परांठे। तो सुबह का समय है, इस समय लगभग 7:30 हो चुके हैं। तो अब मैं कपड़े कुपड़े धो के फ्री हो चुकी हूँ पोचा पोचा लगा के और पूजा पाजा करके। अब मैं खाना बना लेती हूँ, लेकिन अभी आकृति के बाल भी बनाने हैं। पहले खाना बना लेती है परांठे जल्दी से जल्दी, फिर आकृति को तैयार कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मुझे जो है घास लेने भी जाना है। तो आलू उबाल के रखे हुए हैं ये, और दोपहर के लिए मैंने कद्दू कट करके रख दिया है। दोपहर को बनेगा खट्टा कद्दू और अभी बन रहे हैं आलू के परांठे। परांठे भी रेडी हो चुके हैं। तो दोस्तों अब मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुकी हूं खेत में। ये घास अभी काटना है, तो मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद। तो अभी मैं शुरू करती हूं काटना, फिर आपको बाद में दिखाऊंगी कि कितना काट दिया है और कितना नहीं। तो अभी काटना शुरू कर देते हैं, तो मिलेंगे थोड़ी देर बाद। और आप सभी ने वीडियो पर बने रहना है और मेरी वीडियो लाइक कमेंट एंड शेयर भी करनी है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके और आप मेरी वीडियो वॉच कर सकें। तो दोस्तों अभी मैं काट लेती हूँ घास, फिर थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों अब मैं थक चुकी हूँ, लगभग 1 बज चुका है और धूप भी बहुत लग चुकी है। तो अब मैं चल पड़ती हूँ घर को। जैसे कि आप सभी को पता ही था, मैंने सुबह भी ब्लॉग बनाया और अभी भी बना रही हूँ। तो दोस्तों आप सभी को मैं घास दिखा दूं। ये देखो मेरे से ज़्यादा काम नहीं होता है, क्योंकि मुझे बीपी की प्रॉब्लम भी है तो मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकती हूँ। तो ये देखो वहाँ से लगी थी मैं घास काटने, वो जो है वो जो आपको दिख रहा है, जो भी दिख रहा है आपको, वो सभी मैंने आज ही काटा है सारा घास सुबह। तो सुबह बेटी को पहुंचाने के बाद ही आई थी मैं। 9:30 हो चुके होंगे, 9 या 9:30, पता नहीं, मैंने ध्यान भी नहीं दिया टाइम का। तो
अब धूप लग चुकी है बहुत, और अब मैं जाऊंगी घर। घर में अभी खाना भी बनाना पड़ेगा, तो खाना बनाना है, फिर खाना है, फिर बेटी को लेने जाना है, फिर थोड़ी देर रेस्ट भी करूँगी, और फिर उसके बाद जो है उसके बाद बेटी को जाना पड़ेगा, फिर बेटी लानी है, फिर उसके बाद फिर से मेरा ये ही रूटीन है, फिर से आना पड़ेगा मुझे घास लेने, घास काटने। तो ये काटा मैंने आज, देखो ये देखें, ये सारा जो है यहाँ से लगी थी मैं अभी घास काटने, अभी नहीं मतलब सुबह, यहाँ से लगी थी, यहाँ से उतना काटा, इतना ही काटा गया, मेरे से ज़्यादा तो काटा नहीं जाता है। तो अब मैं चल पड़ती हूँ घर को, और अब मैं घास का रेटा भी मैंने बांध दिया है, तो ये मेरा घास का रेटा है, इसको लेके जाऊंगी उठा के सर पर ना, फिर मेरे से वीडियो नहीं बनाई जाएगी क्योंकि मैंने घास उठाना है सर पर। फिर वो चढ़ाई इस रास्ते से जाऊंगी, इधर से ऊपर वो उस रास्ते तक पहुंचना है, बहुत है ऊपर जाके, घर काफ़ी दूर है लेकिन ऊपर रखना है घास। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर शाम को देखूंगी, टाइम लगेगा तो बना लूंगी ब्लॉग, नहीं लगेगा तो फिर नहीं लगेगा। मैंने उठाना है ये घास सर पर, तो अभी के लिए इतना ही, अभी के लिए बाय। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैं नीलम डोगरा आप सभी का अपने चैनल पर करती हूँ स्वागत। तो दोस्तों आप सभी कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं भी ठीक हूँ, आशा करती हूँ कि आप सभी भी ठीक होंगे। तो दोस्तों अभी मैं हूँ खेत में आ रखी, तो खेत में मैंने क्या किया वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। मैं आई थी घास काटने, ये देखें ये घास काटा है, और ये वाला सुबह काटा था, तो इस तरह से है दोस्तों। और आप सभी ने ज़रूर बताना है हमारा एरिया आप सभी को कैसे लगता है। थोड़ा सा मैं सामने का व्यू दिखा दूँ आपको, ये यहाँ का सामने का व्यू है, बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी आती है इसमें। ये देखें दोस्तों, बिल्कुल ये सामने का व्यू है जहाँ पर मैं घास काट रही हूँ, ये देखें बहुत प्यारा नज़ारा है यहाँ का। तो दोस्तों आप सभी कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप कहाँ कहाँ से देख पा रहे हैं मुझे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप कौन सी जगह से मुझे मेरे ब्लॉग को देखते हैं। तो दोस्तों ज़रूर बताना। तो अभी मेरे लिए अंधेरा हो जाएगा क्योंकि बिल्कुल अंधेरा होने वाला है, तो अब मैं चले जाऊंगी घर। तो दोस्तों थोड़ी देर बाद मैं मिलूंगी आपसे घर में। तो अभी जल्दी से जल्दी मैं इस घास को बांध लेती हूँ, और अभी हमने चल पड़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, थोड़ी देर में मिलेंगे। ठाकुर साहब भी है मेरे साथ आए हुए, रखा देखा जी, मुझे बोलना इन्होंने अपने आप तो काम करती नहीं है, मेरे को देती करने। तो ठीक है दोस्तों, मैं भी बांध लेती हूँ घास और चल पड़ते हैं। अब थोड़ी देर में घर में मिलेंगे आपसे।